Hi guys, welcome back to my channel. और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइज H&M के ड्रेसेस. लाइक बिलीव मी गाइज, H&M के कुछ ड्रेसेस इतने ज़्यादा वायरल हो गए थे कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार इस वक्त हर जगह सेल चल रहा है एंड H&M में भी सेल चल रही थी, तो मैंने कहा इससे बड़ा मौका तो नहीं हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ ड्रेसेस तो शेयर कर ही रही हूँ, इसके साथ सेल पे भी आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा. तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग ड्रेसेस. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ड्रेस जो कि मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, क्योंकि कई बार आप ये कहते कि महिमा तुमने जो पहना ही हुई है ना ड्रेस, वो उसी ड्रेस के बारे में सबसे पहले बताओ हमें. सो मैंने कहा कि चलो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं. ऑलराइट, सो ये जो ड्रेस आप देख रहे हो ना, इट्स इन प्योर कॉटन मटीरियल एंड इसकी सबसे अच्छी बात है इट्स वेरी वेरी कम्फर्टेबल. इट कम्स विथ कॉलर एंड यहाँ पे एज यू कैन सी इट्स सो स्ट्रेचेबल, लाइक इतना ज़्यादा कि मुझे लगता है कि आप एकदम आराम से, ये जो मैंने साइज ली है मीडियम, इसमें एक्सेल तक आ जाएगा ये जिस हिसाब से स्ट्रेच कर रहा है वेस्ट लाइन पे. इसकी स्लीव्स तो आप देख ही रहे हो कितना सही है, लाइक इट्स एक्चुअली वेरी ब्रीदेबल, समथिंग टू वेयर इन दिस सीजन, वेरी वेरी कम्फर्टेबल. यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना बटन डाउन, ये पूरा नीचे तक आ रहा है, इट्स एन ए लाइन ड्रेस एंड यहाँ पे जो मेरे वेस्ट लाइन पे यहाँ इस तरह से आपको ये टाई अप दिया हुआ है. सो कुछ इस तरह से आप टाई कर सकते. ऑलराइट, सो मैंने तो आपको साइज़ बता दिया. इसमें जो साइज़ है ना वो है स्मॉल साइज़ से लेकर डबल एक्सेल तक. मैंने मीडियम साइज़ पहना एंड बिलीव मी इट्स वेरी वेरी कम्फर्टेबल, लाइक इसको पहन के ना मैं पूरा दिन आराम से घूम सकती हूँ. इसकी जो प्राइस है करेंटली मुझे 1399 रुपीज़ दिख रही है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइलिंग. ओके, तो स्टाइलिंग में मैंने यहाँ पे देखो इस तरह से, ये पहले तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक बड़ा सा पर्ल इयररिंग ले रखूँगी, तो ये जो कलर है ना ऑफ वाइट, ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा था पर्ल इयररिंग. तो मैंने कहा कि स्टड ऐसा लेती हूँ जिसमें थोड़ा सा कलर हो और कलर में थोड़ा सा एक पॉप ऑफ कलर भी मिल जाए एंड हमें बहुत ज़्यादा एकदम ब्लैंड भी लुक ना आए. इसके साथ मैंने ये ऑफ वाइट हील पेयर की है एंड टू कम्प्लीट द लुक मैंने ये हैंड बैग लिया है. दिस ऑल्सो हैज़ ऑफ वाइट कलर, तो ये काफ़ी सही ब्लेंड हो रहा था. सो दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द सेकेंड मॉडेस्ट ड्रेस विच इज़ दिस रेड कलर का ड्रेस. आई लव हाउ इट लुक्स लाइक. सामने एकदम प्लंज नेक लाइन दिया हुआ है, वी हैव फुल स्लीव्स एंड यहाँ पे ये स्लीव्स जो है ना ये इस तरह से स्ट्रेचेबल मटेरियल का है. मेरी जो हाइट है 5'2", उसके अकॉर्डिंग एंकल लेंथ ये ड्रेस आ रही है एंड ये ड्रेस मुझे देख के ऐसा लगा कि एक बार के लिए ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती हूँ. पहले मैंने सोचा यार एक्सेसरीज वगैरह गोल्ड रख लूँगी, फुटवेयर ब्लैक पहन लूँगी एकदम जैसे जो ट्रेडिशनल होता है. फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं फ्रॉम द रेगुलर स्टाइलिंग. तो यहाँ पे जो मैंने इयररिंग ले रखी है वो है ये हार्ट शेप के लैवेंडर कलर वाले इयररिंग एंड आई लिटरली लव दें. 50 रुपये का मैंने लाजपत नगर से लिया था एंड इसके साथ मैंने ये गॉगल्स स्टाइल किए हैं एंड ये भी मैंने 100 रुपये का ही लाजपत नगर से लिया था, बट ये इतना अच्छा लग रहा है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा इसको तो ज़रूर मैं स्टाइल करूँगी. एंड इसके साथ जो मैंने हैंडबैग लिया था ये भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया मैंने, बट अच्छी बात ये है कि ये जो आप कॉइन क्लच देख रहे हो जो मैंने इसके साथ स्टाइल किया है, इसमें वी हैव ऑल द कलर जो मैंने एक्सेसरीज के फॉर्म में यहाँ पे ऐड किए हैं, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा पुट टुगेदर लग रहा था. एंड टू कंप्लीट द लुक यहाँ पे जो मैंने फुटवेयर लिया है, सो ये मैंने न्यूड फुटवेयर लिया है एंड दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेस. सो फुल स्लीव्स में मुझे H&M का ये ड्रेस दिख रहा था. नाउ ये जो आप ड्रेस देख रहे हो ना, यहाँ पे इस तरह से ऊपर में ये वेलवेट टच दिया हुआ है, दिस गिव्स अ वेरी लग्जूरियस फीलिंग एंड देन यहाँ पे स्लीव्स इस तरह से, यहाँ पे फुल स्लीव्स है, वी हैव फ्लोरल डिटेलिंग एंड देन स्लीव ये इलास्टिक दी हुई है. सो जो नेक लाइन है ना यहाँ पे, ये वी नेक है एंड नीचे आके देन इस तरह से ये ए लाइन बन रहा है. इट गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रिंसेस वाइब. मेरी जो हाइट है 5'2" के अकॉर्डिंग मेरी ये नी लेंथ तक आ रही थी एंड नाउ इसको स्टाइल करना तो बहुत ही सिंपल था बिकॉज हमारा आउटफिट ही ये जो दो डिफरेंट टोन में है ना, तो आई वॉन्टेड टू कीप दिस एज माई स्टार एंड इसलिए मैंने, मेरे पास एक पर्ल ड्रॉप इयररिंग थी उसको मैंने स्टाइल किया है. इसके साथ मैंने ये हैंड बैग लिया है व्हाइट कलर का बिकॉज हमारे पर्ल इयररिंग थे एंड उसको मैच करते हुए मैंने ये हैंडबैग लिया है
एंड टू कम्प्लीट द लुक मैंने लिया है ये हील, ब्लैक कलर का हील, बिकॉज हमारे आउटफिट में ब्लैक है एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे 1679 का करेंटली दिख रहा है। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेस। ये पर्टिकुलर ड्रेस है ना, इट हैज़ माई हार्ट। और मैं इसको देखते ही मैंने सोचा यार मैंने ये ड्रेस अपने बर्थडे पे क्यों नहीं पहनी। इट्स दिस ब्यूटिफुल कॉर्सेट ड्रेस, आई मीन आई लव हाउ इट लुक्स लाइक। पीछे जो है ना ये इस तरह से ये स्ट्रेचेबल दिया हुआ है मटेरियल। दिस इज़ द फ्रंट सेक्शन और ये इस तरह से ये कॉर्सेट की डिटेलिंग है। नीचे इस तरह ये बलून बन रहा है। जो मटेरियल है इसका ये प्योर कॉटन मटेरियल है एंड आई मीन इट लुक्स लवली, इट लुक्स लवली। पहले जब मैंने इसको पहना था तो मैंने कहा इसको तो इस ड्रेस को एक्सेसरीज की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतना प्यारा लग रहा है। फिर मैंने कहा कि नहीं थोड़ा एक्सेसराइज कर लेते हैं एंड देन आई वेंट अहेड विद अ बिग पर्ल। थोड़ा सा उसमें भी एक रोज़ गोल्ड है तो उसमें अंडरटोन हमारा पिंकिश कलर आ जाता है, तो जिसकी वजह से आउटफिट के साथ वो थोड़ा सा पुट टुगेदर लग रहा था। ये अगेन ड्रेस मैंने मीडियम साइज में लिया है एंड इसका करंट प्राइस मुझे 2299 रुपीस दिख रहा है। इस ड्रेस के साथ आई वेंट अहेड विद दिस पॉइंटेड टो हील बिकॉज हमारा आउटफिट जो है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो आई वॉन्टेड टू गिव द डेफिनेशन हमारे बॉटम पे, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये फुटवेयर के फॉर्म में थोड़ा सा मैंने एक डेफिनेशन दिया है। एंड टू कम्प्लीट द लुक आई हैव टेकन दिस पर्ल बैग, जो कि मैंने आप लोगों को कई बार अब तक दिखा दिया है। इंडियन आउटफिट से लेके वेस्टर्न आउटफिट सबके साथ ये क्यूट सा बैग चला जाता है। सो दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस। ओके, सो स्ट्रैपी ड्रेस में मुझे एक और ड्रेस जो दिखा था H&M पे ही, वो एक ये ड्रेस है। आजकल इस तरह वाली ड्रेसेस ना काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, चाहे वो आपके मैक्सी ड्रेस के फॉर्म में हो या फिर शॉर्ट ड्रेसेस के फॉर्म में हो। दिस वन इज़ इन मिनी ड्रेस एंड ये साइड में इस तरह से ये जिप आता है, मीडियम साइज का है ये अगेन। एंड सामने यहाँ पे इस तरह से टाई अप दिया हुआ है। इसका जो स्ट्रैप है ना दिस इज एडजस्टेबल, जैसा कि आप देख सकते हो। सो यहाँ पे फुटवेयर के लिए आई वेंट अहेड विद दिस ऑफ वाइट फुटवेयर एंड थोड़ा सा प्रिंट देने के लिए आई वेंट अहेड विद दिस बैग, जिसमें हल्का सा फ्लोरल प्रिंट है ताकि हमारा आउटफिट एकदम ही ब्लैंड ना लगे। सो दिस इज द बैग विच आई हैव टेकन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ब्लैक कलर आपका फेवरेट है ना, तो मैंने एक और ब्लैक कलर में ये प्यारा सा ड्रेस स्टाइल किया है। इट्स एक्चुअली एन ऑफ शोल्डर ड्रेस बट आई वॉन्टेड टू जस्ट पुट इट हियर एंड शो यू गाइज कि इसको आप नॉर्मली भी पहन सकते हो। ऑफ शोल्डर क्यों है, बिकॉज इट हैज़ दिस स्ट्रेचेबल थिंग हेयर एंड यहाँ पे भी आपका स्ट्रेचेबल है, तो जिसकी वजह से आपका जो ड्रेस है ना ऑफ शोल्डर में कई बार ऐसा होता है ना कि ऊपर उड़ जाता है, तो वो दिक्कत नहीं होगी। ये प्रॉपरली आपको यहाँ से लेके चेस्ट एरिया से लेके आपके ये जो आपका जो बाइसेप्स है यहाँ तक आपको प्रॉपरली होल्ड करके रखेगा। बट फिलहाल के लिए आई वेंट अहेड विद अ नॉर्मल ट्रेडिशनल, जैसे ड्रेस पहनते वैसे ही पहना है मैंने। एंड दिस इज़ द स्लीव्स, यहाँ पे स्लीव पे भी इस तरह से ये स्ट्रेचेबल मटेरियल दिया हुआ है। ओवरऑल इट्स अ वेरी क्यूट ड्रेस। यहाँ पे वेस्ट लाइन पे भी इस तरह से ये स्ट्रेचेबल मटेरियल दिया हुआ है ताकि इट मेक्स यू लुक सिंच्ड। नाउ इसको स्टाइल कैसे करा है मैंने, वो उस पर आती हूँ मैं। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे करेंटली 989 रुपीस का दिख रहा है। इसमें दो और डिफरेंट कलर्स एंड पैटर्न्स थे बट ये सिंगल कलर है ब्लैक कलर में। सो यहाँ पे आई वेंट अहेड विद दीज स्ट्रैपी हील्स। ओके, एंड टू कम्प्लीट द लुक आई टुक दिस हैंड बैग जिसमें ब्लैक कलर है, ऑफ वाइट है। वी हैव दिस गोल्डन कलर बकल एज वेल एंड इस गोल्डन कलर को पकड़ के मैंने एक्सेसराइज किया है। तो यहाँ इयर रिंग जो मैंने ले रखी है वो है गोल्डन कलर में ही, एक इयर रिंग ले रखी है ड्रॉप इयर रिंग काइंड ऑफ थिंग एंड देन ब्रेसलेट भी गोल्ड कलर का लिया है एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द H&M हॉल। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन सम क्यूट लिटिल ड्रेसेस, दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड आपने वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग guys, bye-bye.